कहते हैं ईटीवी भारत ने मुझे मेरी सहायता मेरी आवाज़ उठाई थी और आज भी वो मेरी आवाज़ फिर उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मेरा पहला भी यही ये था कि मेरी फाइल पूरी पॉजिटिव है, उसको मुख्यमंत्री जी नहीं करके बल्कि उनके प्रमुख सचिव जी लोगों ने निरस्त कर दी थी। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से न्याय चाहता हूँ। पहले भी मैंने पत्र कई लिखे थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और आज की डेट में उनको पूरे संज्ञान में है कि मेरा मामला उनके पास पूरी तरीके से है। मुख्यमंत्री जी मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। मेरी पूरी फाइल पॉजिटिव है। क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 2 बिस्वे की जमीन एक्सचेंज कर दें, जबकि पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी पॉजिटिव फाइल बन के गई थी, पूरी पूरी फाइल। क्या नीचे से ऊपर तक सब IAS नहीं थे? सारे लोगों ने मेरी फाइल बना के भेजी। और अगर मेरी फाइल गलत है, अगर मेरी फाइल खराब है, तो क्यों नहीं उन नीचे से ऊपर तक के जितने IAS थे, ADM थे, FDM थे, DM थे, प्रमुख सचिव राजस्व थे, सचिव थे, इन सबको क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? आप इनको या तो सस्पेंड करें और या तो मेरे विनिमय का प्रस्ताव मेरे फेवर में करके मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं 1 करोड़ का लोन लिया हूँ, मैं बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मैंने इतना मेहनत करी है 3 साल। और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आज भी मैं ट्वीट करता हूँ, सब करता हूँ, मुख्यमंत्री जी आज मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव SP गोयल पर 25 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता एक बार फिर मीडिया के सामने आए हैं। अभिषेक गुप्ता आज ईटीवी भारत कार्यालय पर आए और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। ईटीवी भारत के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से ये गुजारिश की है कि मुख्यमंत्री उससे मिलें और उसकी मदद करें। अभिषेक का ये दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए कई बार